हेलो स्टूडेंट्स, सीजी शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? ऊष्मा और ताप। ऊष्मा और ताप में हमने क्या देखा था? ऊष्मा क्या होता है, ताप क्या होता है, कितनी कौन सी चीज़ ठंडी होती है, कितनी गर्म होती है, उसे कैसे नापते हैं, है ना। और क्या पढ़ा था? उसके पैमाने क्या होते हैं, टेम्परेचर के पैमाने क्या होते हैं, उन दोनों के बीच संबंध देखा था, थर्मोस्कोप देखा था, है ना। और लास्ट में हमने क्या देखा था? ऊष्मा का संचरण, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? चालन और संवहन। आज हम उसका तीसरा पढ़ेंगे, क्या? विकिरण। ठीक है, विकिरण किसे कहते हैं वो देखेंगे, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेडिएशन, है ना। जैसे मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था कि अगर मैं कुछ भी आपको बोल रही हूँ वो आप तक क्यों पहुँच रहा है, क्योंकि हमारे बीच एक क्या है? माध्यम है। वो माध्यम क्या है? हवा। अगर हवा हमारे बीच नहीं रहेगी तो मैं जो भी बोल रही हूँ वो आप नहीं सुन सकते। तो वही बोला गया है कि आपने कभी नोटिस किया है कि क्या है, हमारे ब्रह्मांड में तो क्या है, हर जगह वायु नहीं है, है ना। फिर भी हमें सूर्य का प्रकाश कैसे मिलता है? तो वो किस प्रकार मिलता है, किस वजह से मिलता है? रेडिएशन के वजह से मिलता है। ठीक है, विकिरण की वजह से मिलता है। ठीक है, उसमें क्या रहता है? विकिरण के लिए कोई भी माध्यम नहीं लगता है। प्रकाश की ही तरह ऊष्मा का भी संचरण निर्वात वैक्यूम में हो सकता है ना। इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार सनलाइट बिना हवा के वो क्या हो रही है, सीधा धरती पर पहुंचती है, उसी प्रकार जो ऊष्मा है वो भी क्या होती है, उसे भी क्या, संचरण के लिए निर्वात, है ना, किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं रहती। वो निर्वात वैक्यूम में भी क्या कर सकती है, एक से दूसरे जगह संचरण कर सकती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा प्रकाश की चाल से ही सरल रेखा में संचारित होती है। ये क्या बोल रहा है, जिस प्रकार सूर्य की किरण क्या होती है, डायरेक्ट अर्थ पर पड़ती है, उसी प्रकार हीट भी क्या करता है, सीधा रेखा पे, जैसे क्या करता है, जैसे ही आपका क्या है, सूर्य की किरण है, वैसे ही ऊष्मा भी सरल रेखा पे चलता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो विकिरण है ना, जो रेडिएशन है, वो क्या रहता है, सभी तरह सामान्य फैलता है। उसी प्रकार क्या रहता है, जो उसमें है वो भी हर जगह क्या रहता है, सामान्य फैलता है। ठीक है, जैसे कि ये क्या है, इस जगह पे है, तो अगर देखेंगे तो हर जगह क्या रहेगा, सामान्य उसमें फैलेगा। इसका एग्जांपल क्या ले सकते हो, आपको मोमबत्ती लेनी है, लालटेन लेना है, स्पिरिट लैम्प, जो भी आप लोगे, फिर उसमें क्या करना है, हर जगह अगर आप हाथ रख के देखोगे तो आपको जो उसमें है वो सभी तरफ क्या रहेंगे, सामान्य आपको दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि जो उसमें है वो क्या रहता है, यूनिफॉर्मली, है ना, हर जगह से क्या रहता है, यूनिफॉर्मली ट्रांसफर होता है, आप ट्रांसफर होता है। क्लियर इतना? अब क्या देखेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे हम, अवशोषक, एब्जॉर्बर और उत्सर्जन, एमिटर के बारे में पढ़ेंगे। कभी भी क्या होता है, जब उसमें है ना, क्या है आपका, रेडी सनलाइट पड़ता है, तो सनलाइट बोल रहे हैं, है ना, सूर्य किरण है, तो उसमें क्या हो रहा है, ऊष्मा आती है साथ में, तो वो ऊष्मा क्या होता है, जब तल पे पड़ता है, जमीन पे पड़ता है, तो वो क्या करता है, तल या तो फिर उसको अवशोषित करता है, जो ज़्यादा अच्छे से क्या करेगा, उसको अवशोषित करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, अच्छे अवशोषक बोलते हैं, इंग्लिश में एब्जॉर्बर बोलते हैं। उसी तरह ऊष्मा के अच्छे उत्सर्जन, जो क्या रहेगा आपका, जो ज़्यादा अवशोषित कर रहा है वो क्या करेगा, उतना ही अच्छा क्या करेगा, उस हीट को, ऊष्मा को उत्सर्जन करेगा। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एमिटर बोलते हैं। अगर आप उसको और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करेंगे, क्रियाकलाप करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक क्रियाकलाप करेंगे, जिसके लिए हमको क्या चाहिए, देखते हैं आवश्यक सामग्री क्या है। एक बर्तन जिसे काले रंग से रंग दिया गया हो, एक चमकदार बर्तन, स्टील का, एक मिट्टी का बर्तन। ठीक है, तीन हमको बर्तन दे दिया गया है। कौन कौन सा दिया हुआ है हमको, एक काले रंग का बर्तन दिया है, सफ़ेद चमकीला बर्तन दिया है, मिट्टी का बर्तन दिया है। अब इसको क्या करना है, हमको क्या करना है, पहले इसको क्या करोगे, थर्मोमीटर के हेल्प से इसका क्या करेंगे, हम नाप लेंगे ताप कितना है, फिर इसको हम क्या करेंगे, सूर्य किरण में कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद मान के चले हम कितने मिनट के लिए छोड़ रहे हैं, 30 मिनट्स के लिए छोड़ रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, इसका ताप को फिर से क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो काले वाले का हम ले लेते हैं कितना, 50, इसका हम कितना लेंगे, 30,
और इसका कितना लेंगे, मान के चलिए 20, ठीक है, इतना उनका क्या हुआ, टेम्परेचर हुआ है। फिर कुछ टाइम बाद हम क्या करेंगे, इसको कहीं और जगह रख देंगे, छाया में रख देंगे, ठीक है। फिर उसका क्या करना है, टेम्परेचर को नोट करना है, ठीक। मान के चलिए इसका शुरुआती हम क्या ले रहे हैं, 20 ले रहे हैं, ठीक है। तो फिर वापस से वो कितना हो जाएगा, 20। इसका अगर हम 10 ले रहे हैं तो वापस से क्या हो जाएगा, 10। अगर हम इसका क्या ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, तो वापस से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या बोलना चाह रहा है, ये जो रंग है ना, ये ब्लैक कलर का पेंट होने की वजह से उसमें क्या होता है, ये बहुत अच्छे से क्या करता है, अवशोषित करता है। इसलिए क्या हो रहा है, इसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, ठीक है। अगर उसी को हम क्या कर रहे हैं, एक छाया जगह में रख रहे हैं, तो जितना जल्दी वो क्या हो रहा है, अवशोषित कर रहा है, उतना ही अच्छे से क्या कर रहा है, वो उष्मा को उत्सर्जन भी कर रहा है, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, मिट्टी का बर्तन देख रहे हैं, तो मिट्टी का बर्तन भी देख रहे हैं, तो पहला क्या था उसका, 10 डिग्री सेल्सियस था। जैसे ही हमने सूर्य की किरण में रखा तो वो क्या हो गया, अवशोषित किया उष्मा को, और कितना हो गया, 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। फिर से उसको जब ठंडी जगह में रखे तो कितना हो गया, 10 हो गया। मतलब कि क्या है, जितना अच्छा वो जितना वो क्या कर रहा था, अवशोषित कर रहा था उष्मा को, उतना ही वो क्या कर रहा है, उत्सर्जन भी कर रहा है। सेम उस क्या हो रहा है, आपके सफ़ेद चमकीला बर्तन में हो रहा है। तो अगर आप ये तीनों को कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले कौन सा है आपका, अगर हम इसको ए बी और सी नाम देने हैं, तो सबसे अच्छा अवशोषक और सबसे अच्छा उत्सर्जन कौन है आपका, बी। उसके बाद कौन सा है आपका, सी। फिर कौन सा है आपका, ए, ठीक है। तो ये क्या बोलना चाह रहा है, तो हम ये जो क्रियाकलाप कर रहे हैं उससे क्या पता चल रहा है कि आपका जो ना अवशोषण व उत्सर्जन दो बातों पर निर्भर करता है, कि वो कितना अच्छा एब्जॉर्ब कर रहा है और कितना अच्छा एमिट कर रहा है उष्मा को, वो दो बातों पर निर्भर कर रहा है। पहला क्या है, वस्तु के ताप पर, है ना। फिर वस्तु के रंग तथा उसकी सतह की प्राकृतिक पर। पहले क्या कर रहे हैं कि वस्तु कितना ज़्यादा ताप को वो ले रहा है, क्योंकि हमको पता है कि वो जितना अच्छे से ताप लेगा उतना ही उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। फिर किस पे कर रहे हैं, उसके रंग पे। जैसे काला कलर का क्या हुआ था, सबसे ज़्यादा उसने एब्जॉर्ब किया था, है ना, अवशोषित किया था उष्मा को। उसके बाद कौन सा किया था, मिट्टी था वो उसने किया था। फिर वाइट वाले ने किया था, ठीक है। सतह की प्रकृति पर, ठीक है, खुरदुरा है या फिर आपका चमकदार है। हमने देखा था कि इसमें क्या है, आपका ये जो बर्तन है वो क्या है, चमकीला है। चमकीला होने की वजह से ये सबसे कम अवशोषक कर रहा है और उत्सर्जन कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या देखा इस पे, कि दो बातों पर निर्भर करता है, पहला उसके ताप पर, दूसरा उसके रंग पर, और वो कौन से प्राकृतिक का है। आई होप कि आपको क्लियर है, ठीक है। विकिरण आखिर है क्या कि वो आपका क्या रहेगा, जैसे सनलाइट पहुंचता है वैसे ही उष्मा ही पहुंचता है, और जो क्या बोलते हैं, अच्छा अवशोषक होता है वही क्या रहता है, अच्छा उत्सर्जक होता है। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, गर्मियों में हल्के सफ़ेद रंग के कपड़े और सर्दियों में काले या गहरे रंग के कपड़े क्यों पहने जाते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा जो हल्के रंग रहते हैं, सफ़ेद रहते हैं, वो क्या होते हैं, आपके उष्मा के क्या रहेंगे, अवशोषक अच्छे नहीं रहते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, गर्मियों में सफ़ेद रंग के या फिर हल्के रंग के कपड़े पहनने पसंद करते हैं। लेकिन सर्दियों में ठंडी रहती है और हमें पता है जो क्या है, काले कलर का रंग रहता है वो क्या करता है, उष्मा का हीट का क्या करता है, अच्छा अवशोषक रहता है। इसलिए हम सर्दियों में कौन सा कपड़ा पसंद करते हैं, काले या फिर गहरे, है ना। गहरे या काले रंग क्या करते हैं, उष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं, इसलिए हम काले या गहरे कपड़े पहनना पसंद करते हैं। आई होप कि आपको विकिरण में कोई भी डाउट नहीं है। यहाँ पर हमारा उष्मा का संचरण खत्म होता है। चलिए आगे टॉपिक देखते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे उष्मा के प्रभाव, क्या पढ़ेंगे, उष्मा के प्रभाव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इफेक्ट्स ऑफ हीट। आप देखे होंगे कि जिस कोई सा भी वस्तु है उसमें जितना क्या हो रहा है, आपका उष्मा आ रहा है, उतना ही उसका क्या होता है, ताप बढ़ता है, है ना। जैसे जैसे ताप बढ़ता है तो क्या होगा, वो प्रसार होने लगता है, और एक टाइम आता है कि उसका क्या होता है, जो अवस्था है वो भी परिवर्तन होने लगता है। क्लियर इतना। चलिए उष्मा के प्रभाव में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कि वो कैसे कैसे प्रभाव डालता है, ताप में वृद्धि, है ना, उसमें प्रसार होता है, भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, ठीक है। जैसे हमने अभी देखा कि क्या होगा, आपका जितना ज़्यादा वो उष्मा लेगा तो वो
वो क्या होता है, ताप में वृद्धि होती है, ठीक है। और क्या होगा, जब ताप में वृद्धि होती है तो जो वस्तुएं होते हैं वो क्या होते हैं, आपके प्रसार करते हैं। और क्या होता है, ज़्यादा अगर उसमें हुआ तो वो भौतिक अवस्था में भी परिवर्तन लाता है। इसको भी हम क्या करेंगे, एक एक करके अच्छे से डील करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं क्या हमारा, ताप में वृद्धि, इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। हमने अभी देखा था कि क्या होता है, जैसे ही क्या करेंगे हम किसी वस्तु में क्या करते हैं, उष्मा देते हैं, तो उसका क्या होता है, ताप बढ़ जाता है ना। ताप बढ़ता है इसका मतलब क्या है, आपका प्रसार होगा, प्रसार होगा तो क्या होता है, अवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हम क्या कर रहे हैं, दो बेंच लेंगे, एक क्या लेंगे, लोहे का लेंगे, एक लकड़ी का लेंगे, एक ही जगह पे वो है ना। फिर वो क्या होगा, आपका जो लोहे का बेंच है वो ज़्यादा क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। इससे क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे आप क्या करोगे, उसमें वो क्या लेते जाता है, उसका हीट क्या होता है, इंक्रीज होते जाता है ना। तो उसी पे बोला है, लेकिन आपने देखा कि लकड़ी का जो बेंच है वो कम गर्म होता है लोहे के बेंच से। उसका रीज़न क्या है, भिन्न भिन्न पदार्थों वाली समान द्रव्यमान वाली वस्तुओं को समान ताप तक गर्म करने के लिए भिन्न भिन्न मात्रा में उष्मा देनी पड़ती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, हमको बोला गया है कि आपको अलग अलग पदार्थ लेना है, तो हम क्या लेंगे, लोहा, लोहा तांबा लेते हैं और आपका पारा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, पारा का ये क्या हो गया, आपका दो भिन्न भिन्न क्या हो गया, पदार्थ हो गया, ठीक है। उसमें हमको क्या लेना है, समान क्या लेना है, उसका द्रव्यमान लेना है। तो हम क्या ले रहे हैं, 1 ग्राम ले रहे हैं, ठीक है। उसको क्या करना है, हमको एक एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है, एक एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। तो आप देखेंगे कि जब आप पारा के लिए आपको कम उष्मा देना पड़ेगा, लेकिन तांबा के लिए आपको ज़्यादा उष्मा देना पड़ेगा। तांबा के लिए आपको कितना देना पड़ेगा, 140 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस देना पड़ेगा, लेकिन तांबा के लिए आपको कितना देना पड़ेगा, 380 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, विभिन्न पदार्थों के लिए से सामान्य द्रव्यमान के लिए, लेकिन सेम आपको क्या कर टेम्परेचर बढ़ाना है, उसके लिए आपको क्या देना पड़ रहा है, उसमें अलग अलग देना पड़ रहा है, ठीक है। वस्तु द्वारा ली गई और दी गई उसमें भिन्न बातों पर, निम्न बातों पर निर्भर करती है। किन किन बातों पर निर्भर करती है, द्रव्यमान पर, है ना। किस पर डिपेंड करेगी, द्रव्यमान पे। अगर आप क्या कर रहे हो, 1 लीटर क्या कर रहे हो, आप गर्म कर रहे हो, तो उसको ज़्यादा उसमें आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप क्या कर रहे हो, 1 मिलीलीटर क्या कर रहे हो, आप गर्म कर रहे हो, तो उसका क्या, द्रव्यमान कम है, तो उसमें कम देना पड़ेगा। और हम उसमें को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से करते हैं, और द्रव्यमान को एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये साइन क्या कहलाता है, आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका जैसे जैसे क्या रहेगा, आपका मास बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें भी देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, ताप में हुए परिवर्तन पे, कि कितना ताप में परिवर्तन हो रहा है। आप उष्मा दे रहे हैं, तो मान के चलिए पहले कितना था, इसका टेम्परेचर टी था, फिर हमने उष्मा दिया, तो वो कितना हो गया, आपका T1 हो गया, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों का क्या हो रहा है, टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, क्योंकि आपने उष्मा दिया है। तो क्या होगा, आपका फाइनल से आप क्या करते हैं, इनिशियल को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और इन दोनों को परिवर्तन को शो करने के लिए आप क्या करते हैं, डेल्टी का यूज़ करते हैं। तो यहीं पर आपका यूज़ किया हुआ है, ये साइन वही है। जितना ज़्यादा आप उष्मा देंगे, उतना ज़्यादा क्या हो गया, टेम्परेचर में चेंजेस होंगे। अब यहाँ दिया है वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर, कि वो कौन से प्रकार का है, जैसे पारा जल्दी हो जाता है, फिर तांबा, उसके बाद लोहा गर्म होता है, तो उसकी प्रकृति भी पर भी क्या करता है, वो डिपेंड करता है। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू डेल्टी, है ना। मतलब जितना आप क्या, ये क्या है आपका उष्मा है, ये क्या है आपका द्रव्यमान है, और ये क्या है आपका ताप में परिवर्तन है, ठीक है। ये क्या है आपका ताप में परिवर्तन है, क्लियर इतना। अब कभी भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट लेना पड़ता है। इसलिए हम क्या लेंगे, इसमें S लेंगे, कैपिटल S लेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट उष्मा, ठीक है। क्या बोलते हैं, विशिष्ट उष्मा बोलते हैं। तो इस अब क्या हो जाएगा, ये Q इज इक्वल टू एम इंटू एस इंटू डेल्टी। तो ये क्या है आपका, ये इक्वेशन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर क्या है, जहाँ एक समान अनुपाती नियतांक है, जिसका मान वस्तु की प्राकृतिक पर निर्भर करता है, किसी वस्तु के पदार्थ की विशिष्ट उष्मा स्पेसिफिक हीट अवस्था
अथवा विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहलाती है। ठीक है, तो आप उसको कैसे करेंगे, क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एस इंटू डेल टी। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, ऊष्मा धारिता निकालना है, तो एस को हम इधर ले जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पास क्या रहेगा, क्यू, ये यहाँ पास नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, एम इंटू क्या हो जाएगा, डेल टी। ठीक है, ये आपका क्या होगा, कुछ इस टाइप से आपको इक्वेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसका ऐसा यूनिट है ना, अगर हम इसका क्या देखते हैं, इकाई देखते हैं, तो क्या होता है, इसका जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे हमने यहाँ पर देखा था, है ना, लोहे का कितना होता है, 450 डिग्री जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। तांबे का कितना होता है, 380 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। पारा का कितना होता है, 140 जूल डिग्री सॉरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस प्रकार से कुछ होता है। और हम क्या करते हैं, ऊष्मा धारिता या फिर क्या है आपका, उस विशिष्ट ऊष्मा धारिता को किस में डिनोट करते हैं, जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस में करते हैं। क्लियर, अगर हम क्या करें, हमने क्या देखा, S इज इक्वल टू क्यू बाय एम टू टी। ठीक है, अगर हम क्या कर रहे हैं, द्रव्यमान को क्या कर रहे हैं, द्रव्यमान को एक ले रहे हैं और टेम्परेचर को भी क्या ले रहे हैं, एक ले रहे हैं, इसका वैल्यू हम पुट करेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू क्यू, क्या हो जाएगा आपका, S इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं, पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा धारिता ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप में वृद्धि कर सके। ठीक है, अगर आपको क्या करना है, डेफिनेशन देना है कि आप क्या बोलोगे, विशिष्ट ऊष्मा धारिता कैसे बोलोगे, तो ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप में वृद्धि करती है। मान के चलिए एकांक है, यूनिट है आपका, तो यूनिट कुछ भी हो सकता है, 1 लीटर हो सकता है, 1 मिलीलीटर हो सकता है ना, इस प्रकार से कोई सा भी आप क्या करोगे, एकांक लोगे 1 डिग्री सेल्सियस उसको बढ़ाने के लिए, जितना भी आपको ऊष्मा देना पड़ेगा वो उसका क्या कहलाता है, आपका विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहलाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पास क्या है, 1 किलोग्राम, आप 1 यूनिट है, 1 लीटर ले सकते हैं, 1 किलोग्राम ले सकते हैं, तो 1 किलोग्राम है। ठीक है, उसको क्या करना है, आपको बढ़ाना है, उसका क्या करना है, ऊष्मा धारिता को बढ़ाना है, तो क्या करोगे आप, 1 डिग्री सेल्सियस डालोगे जितना, है ना, और जो बढ़ रहा है वो क्या कहलाएगा, आपका विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहलाएगा। आई होप कि आपको ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, यहाँ पर है कुछ प्रश्न। ठीक है, क्या क्या आप बता सकते हैं कि आग की चिंगारी को बुझने के लिए पानी का छिड़काव किया जाता है, ऐसा क्यों, है ना, कभी भी क्या हो रहा है, आपको आग को बुझाना है तो क्या करते हैं, पानी का छिड़काव किया जाता है, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो ऊष्मा धारिता होती है जल की, वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिससे ऊष्मा रिलीज हो जाता है और क्या होता है, आग बुझ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यदि 25 ग्राम कॉपर का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के लिए 487.5 जूल ऊष्मा में देनी पड़ती है, तो कॉपर की जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस में व्यक्त विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या क्या दिया हुआ है, हमको मास दे दिया हुआ है, द्रव्यमान दे दिया हुआ है जो कितना है आपका 25 ग्राम है ना, फिर क्या दे दिया हुआ है आपका, टेम्परेचर दे दिया हुआ है जो डेल टी है ना, ताप में परिवर्तन दे दिया हुआ है, कितना हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस तक के, और क्या दिया हुआ है, बढ़ने के लिए ऊष्मा, है ना, जो ऊष्मा है वो भी आपको दे दिया गया है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, उसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता, उसका फॉर्मूला हम पुट कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाला है तो एस कर लेंगे। ठीक है, क्यू कितना दिया हुआ है आपका 487.5 जूल, मास कितना दिया हुआ है 25 ग्राम। ठीक है, कितना उसको मल्टीप्लाई करना है 75 डिग्री सेल्सियस माइनस 25 डिग्री सेल्सियस, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 0.39 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए,
उसकी वैल्यू आप देखोगे, पुट करोगे, सॉल्व करने से आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, उष्मा धारिता हीट कैपेसिटी। इससे पहले हमने क्या देखा था, विशिष्ट धारिता, विशिष्ट उष्मा धारिता देखा था, है ना। तो उसमें और इसमें क्या अंतर है, उसमें हम क्या करते थे, एक एकांक को एक डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाते थे, इसमें हम क्या करते हैं पूरे द्रव्यमान को कितना 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाते हैं। ठीक है, अगर मान के चलिए कि हमको क्या करना है, द्रव्यमान हम ले रहे हैं कितना m ले रहे हैं, और हम क्या ले रहे हैं विशिष्ट धारिता ले रहे हैं s। ठीक है, तो हमारा उष्मा धारिता कितना हो जाएगा, दोनों को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या मिल जाएगा, उष्मा धारिता मिल जाएगा। ऐसा क्योंकि हमने अब पहले ही देखा था जो विशिष्ट धारिता है वो क्या करता है आपका एक क्या करता है एक यूनिट को बढ़ाता है ना। लेकिन ये क्या हो रहा है आपका जो उष्मा धारिता है वो पूरा क्या कर रहा है, जितने भी द्रव्यमान होते हैं उसको बढ़ाता है कितना 1 डिग्री सेल्सियस तक के। ठीक है, तो यही आपका क्या है अंतर है विशिष्ट उष्मा धारिता में और आपका उष्मा धारिता में। ठीक है, उष्मा धारिता की इकाई जूल पर डिग्री सेल्सियस होती है, इसकी इकाई क्या होती है जूल पर डिग्री सेल्सियस होती है। कि आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ठीक है, मिश्रण का सामान्य ताप। ठीक है, मिश्रण का सामान्य ताप जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं इक्विवेलेंट टेम्परेचर ऑफ अ मिक्सचर। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर देखा है कि आपको क्या है एक गर्म पानी है एक ठंडा पानी है, जब आप उसको मिलाते हो तो दोनों का ताप क्या हो जाता है इक्वल हो जाता है। कैसे होता है वो हम एक से देखेंगे फॉर्मूला से। ठीक है, देखते हैं। आपने 2 बाल्टियों में नहाने के लिए पानी ले रखा है जिसमें से एक बाल्टी का पानी गर्म है वह दूसरे का ठंडा, दोनों पानी का तापमान क्रमशः 80 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, आपने क्या किया है 2 बाल्टियाँ ली हैं एक ठंडा एक गर्म, दोनों का तापमान क्या है 80 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस। अब आप एक तीसरी बाल्टी में 1 लीटर गर्म पानी और 1 लीटर ठंडा पानी मिलाते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हो अब तीसरी बाल्टी लेके 1 लीटर गर्म और 1 लीटर ठंडा पानी मिलाते हो, तो इसमें क्या बोला गया है इस मिश्रण का ताप क्या होगा। पहले तो हमको पता है कि जो गर्म का था वो 80 डिग्री सेल्सियस का था, ठंडा का है 20 डिग्री सेल्सियस का है। अब वो एक एक लीटर क्या ले रहा है ठंडा और गर्म दोनों को मिला दे रहा है और पूछ रहा है कि ताप कितना होगा, तो इसको हम क्या करेंगे फॉर्मूला से समझेंगे। यहाँ पर दोनों स्थितियों में पानी की विशिष्ट उष्मा एक ही मानते हैं। ठीक है, सबसे पहले मान के चलते हैं कि जो गर्म है उसका हम क्या ले रहे हैं S1 ले रहे हैं उष्मा धारिता को। ठीक है, और क्या बोलते हैं गर्म का ना, फिर क्या होता है आपका ठंडा का हम क्या लेंगे S2, उष्मा धारिता क्या लेंगे S2 लेंगे। फिर दोनों को जब हम मिला दे रहे हैं गर्म और ठंडा पानी दोनों को मिला दे रहे हैं तो उसका उष्मा धारिता को हम क्या ले रहे हैं S ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि दोनों स्थितियों में जो विशिष्ट उष्मा है वो एक ही रहेगी, इसलिए S1 ठीक है इक्वल टू S2 इक्वल टू S हो रहा है। इतना क्लियर, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है अगर हम क्या ले रहे हैं S1 इज इक्वल टू S2 इक्वल टू S। ठीक है, मान के चलिए जो पहले गर्म वाला पानी है उसका मास कितना है m1, टेम्परेचर कितना है t1। ठीक है, जो ये क्या है आपका गर्म वाला है। अगर हम ठंडे वाले का मास ले रहे हैं तो कितना हो रहा है m2 ले रहे हैं और टेम्परेचर कितने ले रहे हैं 2 ले रहे हैं। ठीक है, और जब जब सामान्य हो जाता है मतलब हम ठंडा और गर्म पानी को मिला रहे हैं तो टेम्परेचर कितना ले रहे हैं हम स्मॉल टी ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम अब क्या आप जान रहे हैं कि फॉर्मूला क्या होता है आपका क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एस इंटू डेल टी होता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है गर्म जब पानी दे रहा है तो गर्म पानी है वो क्या देगा वो अपना जो गर्म है उसमें है वो क्या करेगा उसको देगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगी जब वो क्या होगा उष्मा देगा, है ना। तो क्या हो जाएगा m1 इंटू s1 इंटू डेल टी है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा m1 इंटू s1 ये क्या हो जाएगा t माइनस
टी वन माइनस टी हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या ले लेते हैं, इक्वेशन वन ले लेते हैं। अब हमने क्या किया है, m1 ही है, s1 ही है, लेकिन डेल्टी क्या है आपका t1 माइनस t, क्योंकि पहले का क्या था आपका टेम्परेचर t1 था, फिर बाद में वो कितना दे के क्या हो रहा है उसका टेम्परेचर t हो रहा है, ठीक है। इसलिए फिर उष्मा लेगा, अगर दे रहा है तो क्या होगा, ठंडा पानी क्या होगा, उष्मा को ले लेगा, है ना। तो ऐसे स्थिति में क्या हो जाएगा, m2 into s2 into del t होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m2 into s2 into, ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये क्या होगा आपका t माइनस t2 होगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन टू। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हमने यहाँ पर क्या किया था, इक्वेशन वन में t1 माइनस t किया था, क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहा है, उष्मा को दे रहा है। यहाँ पर हमने किससे माइनस किया, t माइनस t2, ऐसा क्यों, क्योंकि वो उष्मा को ले रहा है, इसलिए, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल लेंगे, क्या लेंगे, अब इक्वल लेंगे, m1 इज टू s1 इंटू t माइनस t, ठीक है, इक्वल m2 इंटू s2 इंटू t माइनस t2, ठीक है। ये ऐसा हमने क्यों लिया, दोनों को इक्वल क्यों लिया है, क्योंकि अगर हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखते हैं ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखेंगे तो वो दोनों क्या हो जाएंगे आपके, इक्वल हो जाएंगे, इसलिए, ठीक है। और हमने क्या देखा था कि s1 s2 और s क्या होते हैं आपके, इक्वल होते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, s1 की जगह s लिख सकते हैं, t1 माइनस t हो जाएगा। ये भी हम क्या लिख सकते हैं, s2 की जगह s लिख सकते हैं, t माइनस क्या हो जाएगा, t2 हो जाएगा। फिर हम क्या कर रहे हैं, s क्या है, कॉमन है, तो उसको कैंसिल कर दे रहे हैं। फिर क्या होगा, m1 t1 माइनस t इक्वल m2 इंटू t माइनस t2, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो m1 t1 माइनस m1 t इक्वल m2 t माइनस m2 t2, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, m1 t1 है ना, ये आपका क्या है, ये देखिए ये वाला क्या है और ये वाला क्या है, सिमिलर है, इसलिए हम इसको कहाँ ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, m1 t1 ये क्या है, यहाँ पर माइनस है, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, m2 t2 इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले से आपका क्या है, m2 t है, ये वाला क्या है, लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड आएगा, जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, m1 t हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, m1 t1 प्लस m2 t2 इक्वल क्या हो जाएगा आपका, m2 प्लस m1 और ये क्या हो जाएगा आपका, t कॉमन हो जाएगा, ठीक है। और ये जो t है वो क्या है आपका, सामान्य ताप है, साम्य ताप है ना, इक्विवेलेंट ताप है आपका। हमको क्या करना है, यही तो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, t को यहाँ रख देंगे और क्या करेंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पास, m1 t1 प्लस m2 t2 बाय क्या हो जाएगा, m2 प्लस m1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, m1 पहला क्या था, 1 लीटर था, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1। उसका टेम्परेचर कितना था पहले वाले का, 80 डिग्री सेल्सियस, प्लस मास कितना था, द्रव्यमान कितना था ठंडे वाले का, 1 लीटर। उसका क्या बोलते, तापमान कितना था, 20 डिग्री सेल्सियस। इसका क्या रहेगा, मास रहेगा 1, इसका भी कितना रहेगा, 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, 50। तो इसका आंसर क्या है, 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अगर आप क्या कर रहे हो, 80 डिग्री सेल्सियस वाला गर्म पानी को दो क्या कर रहे हो, बाल्टियों, मतलब कि गर्म और ठंडा पानी को क्या कर रहे हो, मिला रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा आपका, 50 डिग्री सेल्सियस उसका क्या रहेगा आपका, टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। क्लियर इतना, आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर है। उसमें
प्रसार है ना, थर्मल एक्सपेंशन, उसको समझने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस का आंसर करेंगे जिससे हमको उसमें प्रसार और अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उबलते पानी को कांच के बर्तन में डालने पर कांच, ठीक है ये काट नहीं है, कांच चटक जाता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। इस ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कांच का ग्लास है उसमें हम उबलता पानी डालेंगे, तो उबलता पानी का जो उसमें है उसको क्या करेगा, कांच लेगा और क्या करेगा, उसमें प्रसार होगा है ना, एक्सपेंड होगा, और यहाँ पर क्या रहेगा, जो बाहर का है वो क्या हो रहा है, एक्सपेंड नहीं हो रहा है, प्रसार नहीं हो रहा है, सिर्फ अंदर हो रहा है, जिसके वजह से क्या होता है, कांच चटक जाता है। उसी प्रकार क्या होता है, अगर आप वही गुड क्वालिटी, अच्छे क्वालिटी का क्या लोगे, ग्लास लोगे, तो उसमें वो ये आपको चटकने वाला नहीं दिखाई देगा। ऐसे क्यों होता है, जैसे कि एग्जाम्पल है बोरोसिलिकेट है ना, ये एक ऐसा ग्लास है जिसमें क्या होता है, वो ज़्यादा क्या होता है, प्रसार नहीं करता है ग्लास, जिसके वजह से क्या होता है, उबलता पानी या फिर उबलता चीज़ डालने से क्या होगा, वो चटकता नहीं है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, बिजली व टेलीफोन के तारों को ढीला क्यों बांधा जाता है ना, जब हम देखते हैं कि दो पोल में जो तार है ना, वो क्या होता है, ढीला बांधा जाता है, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ठंडी के समय में क्या होता है, ये तार जो सिकुड़ जाता है, तो सिकुड़ने के बाद क्या होगा, अगर वो उसको ढीला नहीं छोड़ा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, इसलिए उसको क्या किया जाता है, थोड़ा सा ढीला छोड़ा जाता है। कॉन्क्रीट से बनी सड़कों से में ब्लॉक के बीच में खाली जगह क्यों छोड़ी जाती है ना, क्यों छोड़ी जाती है, जैसे कि सड़क बना रहे हैं अगर उसमें कॉन्क्रीट डाल रहे हैं तो उसमें ये वाला गैप क्यों किया जाता है, क्योंकि गर्मी के टाइम में क्या होगा, उसमें उष्मा पड़ेगा और वो क्या होगा, उसका प्रसार होगा तो वो क्या होगा, फैलेगा। अगर वहाँ पर जगह नहीं छोड़े जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, बेंट हो जाएगा है ना, अगर छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो वापस से इस तरह से फिल हो जाएगा, इसलिए सड़क बनाते समय क्या होता है, कॉन्क्रीट के ब्लॉकों में क्या बोलते हैं, जगह छोड़ा जाता है। आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे रेखीय प्रसार गुणांक, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उसको परिभाषित कैसे कर सकते हैं। तो किसी वस्तु की लंबाई में वह प्रसार जो वस्तु की इकाई लंबाई की क्षण में ताप बढ़ने पर होता है, उसे रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं, ठीक है। जिसका मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं, एक क्या है, ये लंबाई ले लिए हैं, ठीक है, उसका प्रारंभिक लंबाई एक क्षण ले लिए हैं, समझिए, ठीक है, उसका प्रारंभिक लंबाई कितना लिए हैं, एल लिए हैं। जब हम उसको क्या कर रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, ठीक है, एक डिग्री सेल्सियस में बढ़ाने के लिए, तो उसका क्या हो जा रहा है, लंबाई बढ़ जा रही है, कितना बढ़ रही है आपकी, एल, मान के चलिए प्रारंभिक कितना है, एल है, कितना बढ़ रहा है आपका, एल वन बढ़ रहा है। तो हम क्या करना है, प्रारंभिक को अगर हम जितना बढ़ा है उसको हम प्रारंभिक से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो जितना बढ़ा है उसका हमको क्या पता चल जाएगा, है ना, जो लेंथ है वो पता चल जाएगा। तो उसके लिए हम उसको क्या यूज़ करते हैं, डेल एल यूज़ करते हैं, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पर इसका इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसको किससे डिनोट करोगे आप, रेखीय प्रसार गुणांक को हम अल्फा से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर उसको आप कैसे लिख सकते हैं, लंबाई में वृद्धि, ठीक है, जितना भी आपका लंबाई में वृद्धि हुआ है, प्रारंभिक लंबाई और ताप में वृद्धि। तो उसको अगर न्यूमेरिकली लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, लंबाई में वृद्धि कितनी हुई है, डेल एल हुई है, प्रारंभिक लंबाई कितनी थी, एल थी, ताप में वृद्धि कितना हुआ है, डेल टी हम उसको डिनोट करेंगे, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, डेल एल, मतलब कि कितना आपका बढ़ा है लेंथ, तो उसको कैसे करेंगे, डेल एल लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा आपका, अल्फा यहाँ पर आ जाएगा आपका L इंटू डेल टी, ठीक है। यहाँ पर डेल एल क्या है आपका, लंबाई में वृद्धि है, अल्फा क्या है आपका, रेखीय प्रसार गुणांक है, L क्या है आपका, प्रारंभिक लंबाई है, डेल टी क्या है, ताप में वृद्धि है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। इसमें सिर्फ इतना है कि जब आप किसी भी लंबे छड़ को क्या करते हो, रेखीय जैसे है, उसमें आप ताप दोगे, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ दोगे, तो कितना आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, लेंथ बढ़ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या बोला गया है, इसको डिग्री सेल्सियस से मापा जाता है, ठीक है, इसका मात्रक क्या है आपका, डिग्री सेल्सियस है। अब क्या बोल, अब क्या होता है कि मान के चलिए कोई लोहा है, ठीक है, कितना आपका
1 मीटर लोहा है, उसको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से उसका ताप कितना रहता है? 0.00012 मीटर। यानी कि यहाँ पर ये बोला गया है 1 मीटर का क्या है, आपका लोहा है, उसको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना भी हम ताप दे रहे हैं, तो ताप देने पर जो क्या हो रहा है, आपका जो लेंथ बढ़ रहा है वो कितना है आपका, 0.0012 मीटर है। ठीक है, आप कुछ इस प्रकार से सो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बस आपको छड़ लेना है और 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो भी उसमें लगेगा उसको हम बोलते हैं। ठीक है, क्लियर इतना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशियंट ऑफ सुपरफिशियल लीनियर एक्सपेंसिव, जिसको आप क्या बोल सकते हो, इसको एरिया भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसको आप कैसे परिभाषित करेंगे? वस्तु के क्षेत्रफल में वह प्रसार जो वस्तु के एकांक क्षेत्रफल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर होता है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहलाता है। इसका मतलब ये है कि क्या कर रहे हो, आपके जो क्षेत्रफल है, ठीक है, उसको क्या करना है, एक एकांक बढ़ाना है, कितना, 1 यूनिट, है ना। 1 यूनिट क्या हो सकता है आपका, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले सकते हो, 1 मीटर स्क्वायर ले सकते हो, इस प्रकार से कुछ भी ले सकते हो। तो एकांक में करने के लिए कितना, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, ठीक है, बढ़ाने पर होता है। जब 1 डिग्री सेल्सियस आप ताप बढ़ाते हो तो उसमें क्या होता है, जो वृद्धि होती है क्षेत्रफल में, वो क्या कहलाता है आपका, क्षेत्र प्रसार गुणांक कहलाता है। जैसे कि मान के चलिए ये आपको जो सॉलिड लाइन दिख रहा है वो क्या है आपका, प्रारंभिक क्षेत्रफल है ए, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, ए। फिर हमने क्या दिया उसमें, 1 डिग्री सेल्सियस क्या दिया, ताप दे दिया। फिर उसके बाद क्या हो गया, उसका क्षेत्रफल में क्या होगा, वृद्धि होगी। क्यों होगी, क्योंकि उसमें प्रसार होगा। तो वृद्धि क्या होगा, आप उसको किससे शो करोगे, डॉटेड लाइन से क्या करोगे, शो करोगे, है ना। तो ये वाला जो दिख रहा है वो क्या हो गया, क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई। उसको आप कैसे डिनोट करोगे, डेल ए से करोगे। क्लियर इतना। तो आपका परिभाषित जैसे है वैसे ही क्या हमने यहाँ पर समझा दिया है। अब इसको आप कैसे प्रदर्शित करोगे, बीटा से, ठीक है। हम उसको क्या कर रहे थे, अल्फा से प्रदर्शित कर रहे थे, इसको हम किससे करेंगे, बीटा से करेंगे, ठीक है। उसको हम कैसे लिख सकते हैं, बीटा को, ये क्या है आपका, क्षेत्रफल प्रसार गुणांक है। उसको हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल में वृद्धि, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल ए, है ना। प्रारंभिक कितना था आपका क्षेत्रफल, ए। फिर क्या होगा आपका, ताप में वृद्धि। तो हमको निकालना क्या है, डेल ए, कि कितना आपका क्या हुआ है, जब हमने 1 डिग्री सेल्सियस दिया है तो कितना आपका क्षेत्रफल बढ़ा है। उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रख लेंगे और इसको ट्रांसफर कर देंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से होगा, है ना। ये क्या है आपका, क्षेत्रफल में वृद्धि। ये क्या है आपका, क्षेत्र गुणांक, प्रसार गुणांक। ये क्या है, प्रारंभिक क्षेत्रफल। ये क्या है, ताप में वृद्धि, ठीक है। इसको भी किससे मापा जाता है, मात्रक क्या है आपका, प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। और दूसरी बात, क्षेत्र प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा का दुगना होता है। जैसे वहां पर क्या था, अल्फा क्या था, उसका मात्रक था, लेकिन जब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वो क्या होता है, उसका जस्ट दुगना हो जाता है। मतलब इसको दर्शाते किससे हैं, बीटा से, तो वो क्या है, उसका जस्ट दुगना है। तो आप क्या कर सकते हैं, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं।